Welcome back to the channel, everyone. Hope you guys are doing absolutely fine. I know. Wonder Woman का trailer 3 दिन पहले आ गया था. मैंने video आज बनाई है. I know. तो ज़्यादा मतलब comments में गुस्सा मत निकालिए. अच्छा कोई करता भी नहीं. तो मैं क्या बोल रहा था, video बनाने का कोई plan ही नहीं था. लेकिन कल हमारे भाई मैदान ने हमको बताया कि क्यों नहीं बनाया जाए. तो हम बना रहे हैं Wonder Woman 1984 का trailer. ट्रेलर है बहुत ही खूबसूरत विद लॉट ऑफ एक्शन एंड मेनी इंटरेस्टिंग डिटेल्स. सो आई एम गोना ब्रेक डाउन द ट्रेलर फॉर यू गाइस सीन बाय सीन डिटेल बाय डिटेल. तो चलिए शुरू करते हैं. स्पॉइलर वार्निंग इन केस आई गेट समथिंग वेरी एक्यूरेट एंड रुइन योर लाइफ्स. तो चलिए पढ़ते हैं. ट्रेलर ओपन्स विद अ शॉट ऑफ दिस होटल रूम वेयर वी सी डायना वॉकिंग ऑन द बालकनी फुल्ली गियर्ड अप. और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ फोटो फ्रेम्स. ये फ्रेम लगती है किसी शादी की और दूसरी है न्यूज़पेपर कट आउट. बट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो शायद ये होटल मुझे सिमिलर लगता है होटल वाटर गेट से जो कि है वाशिंगटन DC में. बस मतलब छोटे मोटे डिटेल्स हैं. यहाँ पे हम फोटो देख सकते हैं डायना की जहाँ पे वो ट्रेवर रेंच पे दिखती है. ये हो सकता है स्टीव ट्रेवर क्या उनकी फैमिली का या फिर एक रेंच जो डायना को मिला एंड शी नेम्ड इट आफ्टर स्टीव ट्रेवर टू ऑनर हिज मेमोरीज लाइक दैट लाइक दोज फोटोज ऑफ रोज फ्रॉम टाइटैनिक वेयर शी सीन हॉर्स राइडिंग टू लिव अ लाइफ जैक वॉन्टेड हर टू लिव. आगे हम एक और न्यूज़पेपर क्लिपिंग देखते हैं जहाँ पे लिखा है VFW ऑनर्स वर्ल्ड वॉर 1 हीरो. स्टीव ट्रेवर की पिक्चर है ऑफ कोर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉट. फिर हम देखते हैं इस वॉच का क्लोजअप जो इसके बारे में डायना ने पहली मूवी में स्टीव से पूछा होता है. It's a watch. You let this little thing tell you what to do. Steve hands this over to Diana the moment before he dies. आगे की शॉट में हम देखते हैं कि ये वॉच हल्का सा हिलता है suggesting Steve's resurrection like the gravestone थोड़ा सा हिलता है before the corpse bust out of it. Talk about this. Steve अभी भी जिंदा है और पता नहीं कैसे. It's not clear though and अभी भी इतना young कैसे है is the question. शायद Diana की कोई wish fulfillment है क्योंकि उसका connection Greek god से है या फिर ये शायद एक उसके mind का projection है created by Lord Maxwell. इस शॉट में हम देखते हैं डायना चैटिंग विद बारबरा. बारबरा इज अ कैरेक्टर फ्रॉम कॉमिक्स. शी इज अ आर्कियोलॉजिस्ट एंड शी गेन्स हर एंशिएंट चीता एबिलिटीज एंड बिकम्स द सुपर विलन चीता. जैसे हम पहले मूवीज में देख चुके हैं डायना एक म्यूजियम में काम करती है और बारबरा शायद एक कोवर्कर हो सकती है जो आगे एक माइक्रोस्कोप के साथ काम करती हुई दिखती है. तो शायद उसको एक डिस्कवरी से उसकी चीता एबिलिटीज मिली. अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो वी कैन सी दैट हर कैरेक्टर पैरेलल्स मिशेल फीफर्स कैट वुमन फ्रॉम बैटमैन रिटर्न्स. द टाइटल ग्राफिक्स ब्लास्ट आउट इट है सिमिलर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सुपरमैन फिल्म एंड ऑल्सो similar to the vibrant titles we have seen of Stranger Things and Thor Ragnarok. Shot mein piche dekh sakte hain kuch patriotic decorations and of course ye bada wala mall. Then we see Maxwell Lord's character appearing on all the screens around. Maxwell Lord is a character from the comics, so he's a businessman but he gets telepathic abilities to control other people's minds. About this one, but I'm gonna read it out because it's too long and bahut text really diya hai, but beech mein atak raha hai, so don't mind. Later, this trailer features a large telecom with this huge satellite-like things, maybe linked with Maxwell's storyline from DC Comics involving Brother's Eye. A satellite program originally designed by Batman to monitor superhuman abilities, but is hijacked by Maxwell to create an army of OMAX. Humans affected by a nanovirus transforming them to cyborgs to kill superhumans. इसकी हमने एक झलक इसमें भी देखी थी द डेथ ऑफ सुपरमैन द एनिमेटेड मूवी विच केम आउट रिसेंटली. यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड को एक रूम में और कई सारे टीवी स्क्रीन्स पे अपीयर होते हुए. शायद इस मूवी में इन्होंने ब्रदर्स आई और लॉर्ड के पावर्स को मिक्सअप कर दिया है एंड कुछ अलग सा ट्राई किया है. मे बी लॉर्ड इज ट्राइंग टू ब्रेन वॉश अदर पीपल्स एंड टर्निंग देम अगेंस्ट सुपर ह्यूमंस एंड ऑल्सो मेसिंग विद डायनास ब्रेन एंड पुटिंग प्रोजेक्शंस इनटू इट. आगे हम देखते हैं लॉर्ड का ये शॉट जहाँ पे उसके हाथ में एक क्रिस्टल है, बाजू में रखा है एक छोटा सा बोन टाइप समथिंग एंड कुछ और एंटिक चीज़ें. शायद दिस कनेक्ट्स बारबरा विद लॉर्ड एंड मे बी ही गिव्स हर हर चीता एबिलिटीज यूजिंग दैट क्रिस्टल एंड टर्न्स हर अगेंस्ट डायना. और के इस शॉट में हम देखते हैं डायना को कुछ आदमियों से लड़ते हुए जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं शायद किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी.
फिर हम डायना को देखते हैं अपने वो जो सर पे जो पहनती है उससे वो सारे कैमरास तोड़ देती है. मे बी शी वॉन्ट्स टू कीप हर आइडेंटिटी सीक्रेट और मे बी मैक्सवेल हैज कंट्रोल ओवर ऑल द स्क्रीन सो शी वॉन्ट्स टू हाइड इट. इस शॉट में हम स्टीव और डायना को डीसी के सड़कों पे चलते हुए देखते हैं एंड द क्लोथ्स वोन बाय डायना हियर इज अ कॉल बैक टू द क्लोथ्स वोन बाय लिंडा कार्टर इन द ओरिजिनल वंडर वुमन सीरीज. एंड देन वी सी देम फाइटिंग इन व्हाट लुक्स लाइक व्हाइट हाउस टू मी. दिस माइट बी अ रेफरेंस टू जनरल जॉर्ड्स अटैक टू द व्हाइट हाउस इन सुपरमैन 2. इस शॉट में हम देखते हैं डायना फ्लाइंग अ जेट थ्रू फायरवर्क्स. दिस कुड बी द फेमस इनविजिबल जेट ऑफ वंडर वुमन. कई लोग कह रहे हैं कि डायना ट्रेलर के कुछ शॉट्स में उसी से ट्रुथ ऑफ लासो की मदद से उसी पे लटकती हुई दिख रही है. बट आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज द वन और नॉट. एंड अबाउट दैट क्वेश्चन कि वो थंडरबोल्ट पे कैसे लटक रही है, मे बी दिस इज बिकॉज शी इज बॉर्न फ्रॉम ज्यूस सो शी हैज कंट्रोल शी कैन व्हाटएवर इट इज आउट ऑफ व्हाट्स. देन वी हैव द शॉट ऑफ दिस वॉल एक्सप्लोडिंग. दिस माइट बी सोवियत वॉर इन अफगानिस्तान. ये देख के मुझे लग रहा है कि शायद डायना फिर से किसी दो लड़ने वाली पार्टीज के बीच में आ गई है. जैसे वो वंडर वुमन 1 में भी आई थी ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में. शायद इस बार मुझे लग रहा है ये कोल्ड वॉर है US और USSR का जो कि चल रहा है और जिसके बीच में डायना फिर से टूट पड़ी है. फिर हम ये शॉट देखते हैं डायना को स्प्रिंट करते हुए विच कट्स टू दैट ऑफ अ चाइल्डहुड जहाँ पे वो ओलंपियन स्पोर्ट्स खेलते हुए दिख रही है. Moving on. Finally, we see Diana in her classic eagle suit, which is from the comics. शायद ये वो यूज कर रही है कैटवुमन के अटैक से बचने के लिए, प्रोटेक्ट हर स्किन अगेंस्ट कैटवुमन. देन वी कम टू द क्लोजिंग शॉट ऑफ द मूवी, सॉरी क्लोजिंग शॉट ऑफ द ट्रेलर जहाँ पे हम देखते हैं स्टीव और डायना को. एंड दिस जोक वेयर स्टीव मिस्टेक्स अ ट्रैश कैन फॉर अ पीस ऑफ आर्ट. दिस इज कम्प्लीटली रिवर्स ऑफ वॉट हैपन इन वंडर वुमन 1. वहाँ पे डायना एक फ्रेशर थी इस वर्ल्ड में और स्टीव वॉज शोइंग हर अराउंड. बट यहाँ पे सेम उल्टा हुआ है जहाँ पे Steve is kind of a fresher in this world and Diana is showing him around. हमने set photos में leaked photo ये भी देखी है जहाँ पे वो Steve हमारे खड़े हैं एक आइसक्रीम स्टोर के बगल में. तो शायद वो आइकॉनिक आइसक्रीम मोमेंट फिर से हमें देखने को मिलेगा. तो भैया ये था मेरा वंडर वुमन 1984 ट्रेलर का ब्रेकडाउन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपका क्या ख्याल है इसके बारे में. अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो जाइए पिछले वीडियो पे और देखिए मेरा ब्लैक विडो का कंप्लीट ट्रेलर ब्रेकडाउन. एंड इफ यू वॉन्ट टू सी सम व्लॉग्स देन प्लीज़ गो अहेड एंड हिट लाइक ऑन दैट वीडियो जो पुराना वाला है. जैसे 50 लाइक्स होते हैं मैं चित्रपुरा का ब्लॉग डालने वाला हूँ. जैसे एज ए प्रॉमिस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ the name is Sohan. दिस इज ऑन साइनिंग ऑफ.